हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है साथियों आप सभी का अपने परिवार समाधान स्टडी में। नीट पीएनएसटी स्टेट एग्जाम के लिए बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ और देखते रहे क्लासेस। आज का हमारा सेशन जीवधारियों का वर्गीकरण से संबंधित होने वाला है। तो सभी साथी जो हमसे जुड़ने वाले हैं, जुड़ चुके हैं, वह सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जीवधारियों का जो वर्गीकरण है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, तो आप सभी क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक नहीं है? नॉस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, सैकेरोमाइसिस, ऑसिलेटोरिया। नॉस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, सैकेरोमाइसिस, ऑसिलेटोरिया। प्रोकैरियोटिक का उदाहरण नहीं है बोला गया है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। जो सैकेरोमाइसिस है वह प्रोकैरियोटिक नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया, डाइटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइट्स। महासागरों में मुख्य रूप से उत्पादक के रूप में पाए जाने वाले जो जाने जाते हैं जीव, वह होंगे डाइटम। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाइटम्स इसका सही उत्तर होगा। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, असत्य कथन को चुनिए। स्पोरोजोन्स में पादप चलने और खाद्य ग्रहण करने की संरचनाएं होती हैं। क्षत्रकों का संबंध बेसिडोमाइसिटिस से है। कवक और पादप जगत के सदस्यों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। मोनेरा को छोड़कर सभी जीव जगतों की कोशिका में माइटोकांड्रिया एक शक्ति ग्रह है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। जो प्रोटोस्पोरोजोअंस में पादाब चलने और खाद्य ग्रहण करने की संरचना होती है, जो उनके पैर होते हैं वह चलने और जो पादाब खाद्य ग्रहण करने की संरचनाएं होती है, तो यह कथन हमारा असत्य कथन हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सीलिएट्स अन्य सभी प्रोटोजोअंस में से किस प्रकार भिन्न है? ये शिकार को पकड़ने के लिए पादाब का प्रयोग करते हैं। इनमें अतिरिक्त जल को निकालने के लिए संकुचनशील धानी होती है। ये गमन के लिए कशाभिका का प्रयोग करते हैं। इनमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। सीलिएट्स के बारे में पूछा गया है। जो सीलिएट्स है अन्य सभी प्रोटोजोअंस से किस प्रकार भिन्न है? सीलिएट्स भी एक प्रकार का प्रोटोजोअंस है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। इनमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवयव जीवाणुवी कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है? कोशिका भित्ति, केंद्र की झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ग्लाइकोकैलिक्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वह अवयव है जो जीवाणुवी कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है। डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती? ये पादपों और जंतुओं से में रोगजनक है और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है।
बैसिलस स्यूडोमोनास माइकोप्लाज्मा नॉस्टॉक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, माइकोप्लाज्मा जो है वह सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती। ये पादपों और जंतुओं में रोगजनक है और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायराइड विषाणु से भिन्न है क्योंकि इनमें प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए अणु होते हैं। बिना प्रोटीन आवरण के डीएनए अणु होते हैं, प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होते हैं, बिना प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होते हैं। जो वायराइड है वह विषाणु से किस लिए भिन्न होते हैं पूछा गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बिना प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु इनमें होने के कारण यह वायराइड जो है विषाणुओं वायरसों से भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं। आर्थ बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, माइको बैक्टीरिया। चरम लवणीय दशाओं में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं। तो ऑप्शन जो ए है हमारा करेक्ट आंसर होगा, आद्य बैक्टीरिया चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चार कथनों का अध्ययन कीजिए और उनमें से दो सही कथनों को चुनिए। पहला है, जैव स्पीसीज की परिभाषा अर्नेस्ट मेयर ने दी थी, प्रकाश काल का पादपों में के जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता, द्विनाम पद्धति तंत्र आरएच विटेकर ने दिया था, एक कोशिकीय जीवों में जनन और वृद्धि समानार्थक होते हैं। दो सही कथन, एक और दो, दो और तीन, तीन और चार, एक और चार। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एक और जो चार वाला कथन है वह करेक्ट होंगे। जैव स्पीसीज की परिभाषा अर्नेस्ट मेयर ने दी थी और एक कोशिकीय जीवों में जनन वृद्धि समानार्थक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन चुनिए। माइकोप्लाज्मा एक भित्ति रहित सूक्ष्म जीव है। जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी होती है। रोमक और झालर मुख्य रूप से जीवाणु कोशिकाओं की गतिशीलता के लिए होते हैं। साइनोबैक्टीरिया में कशाभी कोशिकाओं का अभाव होता है। असत्य कथन चुनिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रोमक और झालर मुख्य रूप से जीवाणु कोशिकाओं की गतिशीलता के लिए होते हैं। ये हमारा सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव कौन सा है। काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायराइड के विषय में असत्य है। ये विषाणु से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, ये संक्रमण करते हैं, इनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है, इनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। वायराइड के विषय में असत्य कथन राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहते हैं, स्वर्णिम कोशिका को डेस्मिड्स भी कहते हैं, यू बैक्टीरिया या सुजीवाणुओं को असत्य जीवाणु भी कहा जाता है, फाइकोमाइसिटीज को शैवालीय कवक भी कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यू बैक्टीरिया सुजीवाणुओं को असत्य जीवाणु भी कहा जाता है, ये कथन असत्य कथन है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्राइसोफाइट युग्लिनाइड डाइनोफ्लैजिलेट और अवपंक कवक किस जगत में सम्मिलित हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा कवक, एनिमेलिया। क्राइसोफाइट युग्लिनाइड डाइनोफ्लैजिलेट और अवपंक कवक जो है वह जगत प्रोटिस्टा जो है हमारा सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, जगत प्रोटिस्टा में सम्मिलित है। तो बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन को चुनिए। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, प्रोटिस्टा में पोषण की विधियां प्रकाश संश्लेषी विषमभोजी होती हैं, कुछ कवक खाने योग्य होते हैं, मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है, यह असत्य कथन है। तो डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्थान पिंड नहीं पाया जाता? फास्फेट कण, साइनोफाइसियन कण, ग्लाइकोजन कण, पॉलीसोम। पूर्व केंद्र की जो कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थान पिंड नहीं पाया जाता? फास्फेट कण, साइनोफाइसियन कण, ग्लाइकोजन कण, पॉलीसोम। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पॉलीसोम यह नहीं पाया जाता है पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असत्य कथन को चुनिए। विषाणुज डी जे इवानोवस्की द्वारा खोजे गए थे, डब्ल्यू एम स्टैनले ने दर्शाया कि विषाणु क्रिस्टलीकृत हो सकते हैं, कंटेजियन वाइनम फ्लूइडम पद एम डब्ल्यू बिजेनरिंक ने दिया था, तंबाकू में किर्मिग रोग और मनुष्य में एड्स विषाणुओं द्वारा होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असत्य कथन है, विषाणु डीजे इवानोवस्की द्वारा खोजे गए। तो ये जो ए ऑप्शन है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह संरचना जो कुछ जीवाणुओं को चट्टानों या पोषी ऊतक से संयोजी होने में सहायता करती है क्या है? मूलाभास, झालर, मीसोसोम, होल्ड फास्ट। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, झालर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति दो पतली अतिव्यापी कवकों की बनी होती है जो एक साथ आसंजित होती है? युग्लिनाइड डाइनोफ्लैजिलेट, अवपंक कवक, क्राइसोफाइट। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्राइसोफाइट जो है वह जीवों में क्राइसोफाइट समूह में कोशिका भित्ति दो पतली अतिव्यापी
कवचों की बनी होती है जो एक साथ आसंजित होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन को चुनिए। न्यूरोस्पोरा को जैव रसायन आनुवंशिकी के अध्ययन में उपयोग किया जाता है। मॉरेल और ट्रूफेल विषैले छत्रक हैं। यीस्ट एक कोशिकी और है और किण्वन में उपयोगी है। पेनिसिलियम बहुकोशिकीय है और प्रतिजैविक उत्पादित करता है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मॉरेल और ट्रूफेल विषैले छत्रक है, यह असत्य कथन है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं? फिम्ब्री, कशाभिका, पक्षमा, पिल्ली। गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कशाभिका के द्वारा गतिमान जीवाणु गति करते हैं, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आद्य जीवाणु आर के बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, सुजीवाणु, यू बैक्टीरिया से किसमें भिन्न होते हैं? कोशिका कला संरचना, पोषण का ढंग, कोशिका आकार, प्रजनन का ढंग। आर की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किसमें भिन्न होते हैं? ए इज राइट आंसर। कोशिका कला संरचना से भिन्न होते हैं आद्य जीवाणु और सुजीवाणु, तो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आर एच विटेकर द्वारा प्रस्तावित पांच जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है? सुपरिभाषित केंद्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति, प्रजनन का ढंग, पोषण का ढंग, शरीर संगठन की जटिलता। काय संगठन की जटिलता या शरीर संगठन की जटिलता? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सुपरिभाषित केंद्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर आधारित जो पांच जगत वर्गीकरण है वह नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कुंडलित आरएनए रज्जुक और पेटी का शंक निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? पोलियो विषाणु, तंबाकू मोजैक विषाणु, खसरा विषाणु, पश्च विषाणु। तंबाकू मोजैक विषाणु इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन आवरण से परिबद्ध डीएनए, प्राकेंद्रकीय केंद्रक, एकल गुणसूत्र, दोनों डीएनए और आरएनए। ए हमारा सही उत्तर होगा, प्रोटीन आवरण से परिबद्ध डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी गहरे समुद्र जल में पाए जाने की संभावना है? यू बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, मृत जीवी कवक, आर्की बैक्टीरिया। समुद्र गहरे समुद्र जल में पाए जाने की संभावना आर्की बैक्टीरिया की होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक हैं, हेटेरोसिस्ट, आधारकाय, श्वसन मूल, वर्ण की लवक। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, वर्ण की लवक जो है वह साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक होते हैं, वर्ण की लवक होते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांच जगती वर्गीकरण में क्लेमाइडोमोनास तथा क्लोरेला किसमें सम्मिलित किए गए हैं? प्रोटिस्टा, एल्गी, प्लांटी, मोनेरा।
जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला है वह प्लांटी जगत में जो है सम्मिलित किए गए हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक संख्या में जातियां किसकी पाई जाती है? कवकों की, मांस की, शैवालों की, लाइकेन की। ए राइट आंसर होगा, कवकों की जो प्रजाति सर्वाधिक संख्या या जातियां पाई जाती है, विश्व में सर्वाधिक संख्या कवक जातियों की पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण में सर्वाधिक विविधता किसमें पाई जाती है? कवकों में, एनिमेलिया में, मोनेरा में, प्लांटी में। पोषण में सर्वाधिक विविधता किसमें पाई जाती है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मोनेरा जगत के जीवों में पोषण में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये सभी परजीवी होते हैं, इन सभी की सममिति कुंडली नुमा होती है, इनमें न्यूक्लिक अम्लों तथा प्रोटीनों को संश्लेषित करने की क्षमता होती है, इन पर प्रतिजैविकों या एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इन सभी की सममिति कुंडली नुमा होती है, यह जो क्वेश्चन का आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में कितने जीव स्वपोषी है? लैक्टोबैसिलस, नॉस्टॉक, कारा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस, ट्रिपेनोसोमा, पोरफाइरा तथा वॉल्फिया। 4, 5, 6, 3 जीव जो है वह स्वपोषी जीव। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 6 जीव जो हैं यहाँ पर वह स्वपोषी हैं। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया किस एक अन्य नाम से भी जाने जाते हैं? प्रोटिस्ट, सुनहरे शैवाल, अवपंक कवक, नील हरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें जीव अथवा जीवों के युग्म का उनके सही वर्ग की समूह के साथ उल्लेख किया गया है? पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम उसी जगत से संबंधित है जिससे पेनिसिलियम संबंधित है। लाइकेन एक संयुक्त जीव है जो एक शैवाल तथा प्रोटोजोअन के सहजीवी संबंध द्वारा निर्मित होता है। ब्रेड तथा बियर बनाने में प्रयुक्त यीस्ट एक कवक है। नॉस्टॉक तथा एनाबिना प्रोटिस्टा के उदाहरण हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ब्रेड तथा बियर बनाने में प्रयुक्त यीस्ट एक कवक है। तो जो सी है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू बैक्टीरिया में एक कोशिकी संगठन जो यूकैरियोटिक कोशिका में से समानता प्रदर्शित करते हैं? केंद्रक, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, प्लाज्मा झिल्ली। यू बैक्टीरिया में एक कोशिकी संगठक जो यूकैरियोटिक कोशिका से समानता प्रदर्शित करता है वह प्लाज्मा झिल्ली है। तो डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है? एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, नॉस्टॉक, माइकोराइजा। जैव उर्वरक नहीं है बोला गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जो एग्रोबैक्टीरियम है वह जैव उर्वरक नहीं है। ए इज अ राइट आंसर।
आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी जो 8:30 बजे क्लास लग रही है फिजिक्स की, तो क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें। सुबह मॉर्निंग में भी साइंस की क्लास सर की लग रही है, 8 बजे से है, तो आप वो भी क्लास देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।